वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं सुप्रा पैलेट के बारे में। इससे पहले मैंने चैनल में मेकअप के जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक स्किन कैसे हम पहचाने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेज हमारी कौन कौन सी यूज़ होती हैं, फिर स्किन के अंडरटोन्स कौन से होते हैं, तो इस टाइप के 3-4 वीडियोस मैंने बना दिए हैं। क्योंकि अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो हमको बेसिक से लेके फिर हमें आगे तक की चीज़ें समझनी होंगी, तो इसके लिए मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरा सेकेंड चैनल है माही मेकओवर 2, और मेरा फर्स्ट जो चैनल है वो है माही मेकओवर, जो कि हेयर से रिलेटेड चैनल है। इसको आप देख सकते हैं और सही चल रहा है चैनल, तो आप उस पर भी एक बार देख सकते हैं अगर आपको हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, या आप केमिकल ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइट्स एंड ऑल, ये जो भी हेयर कटिंग डिफरेंट टाइप्स के, तो इस टाइप के अगर आप वीडियोस चाह रहे हैं तो आप मेरे उस चैनल पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे देखें। लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखेंगे, वहाँ पे मेरे फर्स्ट चैनल का भी लिंक्स होगा और जो ये चैनल के डिफरेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, एक बार और बोल दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्रेलोन का जो हमारा सुप्रा पैलेट है उसके बारे की स्टडी कर लेते हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमें स्किन भी पता चल गया, स्किन का अंडरटोन भी पता चल गया, लेकिन एकदम करेक्ट हमें किस तरह से फाउंडेशन या कंसीलर का सिलेक्शन करना है वो समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं डिफरेंट कंपनीज के जितने भी कंसीलर और आपके ये फाउंडेशन हैं सबको बारे में बताऊंगी, आपको पूरा का पूरा ए टू जेड मेकअप के बारे में भी बताऊंगी, तो इसी तरीके से आप मेरे से ट्यून रहिए। तो गाइस, ये है मेरे पास क्रेलोन का सुप्रा पैलेट, जो कि मेरे पास काफ़ी अराउंड 2-2.5 साल से हो गया होगा, 2.5-3 साल तक हो गया होगा। काफ़ी पुराना पैलेट है मेरे पास। जब ये मैंने परचेज़ किया था तब इसकी कॉस्टिंग थी 2500, और नाउडेज अगर आप परचेज करेंगे तो ये 4000 अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइस है इसका मार्केट में। तो जब मैंने परचेज़ किया था तो मुझे ये 2500 का मिला था ये पैलेट, और ये जो पैलेट है इसमें डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलता है, इसको आप डायरेक्ट क्रेलोन प्राइवेट लिमिटेड करके है कॉस्मेटिक्स या क्रेलोन कॉस्मेटिक्स, वहीं से परचेज करिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। तो आज हम जानेंगे कि हमें किस तरह से कंसीलर सेलेक्ट करना है स्किन टाइप्स के हिसाब से, आपका स्किन टोन क्या है उसके अकॉर्डिंग, मीन्स अगर आपका लाइट स्किन है, मीडियम है या डार्क है, कोई सा भी शेड, डस्क स्किन है, किस तरह की स्किन है, तो उसमें हम लोग जो बेस का सेलेक्शन कैसे करते हैं वो पूरी की पूरी स्टडीज़ हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्रेलोन का पैलेट लिया है। तो गाइस, ये है क्रेलोन का पैलेट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से क्रेलोन सुप्रा मैं बता रही हूँ। जो सुप्रा कलर्स होते हैं इसमें दो पैलेट आता है, सुप्रा और डर्मा, ये पैलेट है। जब आप ये सुप्रा कलर्स यूज़ करेंगे, सुप्रा कलर यूज़ करें तो इसमें थोड़ा सा ऑयलनेस होता है और ग्लो अच्छा आता है, तो वो ये उस स्किन के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है, उस तरह के स्किन के लिए आप ये यूज़ करेंगे। और अगर स्किन ऑयली है तो आप डर्मा का पैलेट यूज़ करेंगे। जब उसको आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा जो बेस होता है वो थोड़ा सा ड्राइनेस, कंसीलर ड्राई सा लगेगा आपको, तो वो आपका ऑयली स्किन के लिए हो गया। तो ये है पैलेट, और इसकी हम आज हम पूरी स्टडी करते हैं किस तरह से होता है। और जो ये पैलेट होते हैं डिफरेंट नेम्स के, बहुत सारे वैरायटीज आती हैं, तो फिलहाल जो मेरे पास है वो है डेल्ही 2 लिखा हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी मेरे तो कंसीलर भी ख़त्म भी हो गया है, देखिए एक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये है डेल्ही एस, इस डेल्ही एस पैलेट है, इसमें FS भी आता है, ब्राइडल भी आता है, डिफरेंट पैलेट्स हैं जो उन्होंने अलग अलग शेड्स दिए हुए हैं। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो डेल्ही 2 करके है, ये देखिए 2 है, एस नहीं है, 2 है, यहाँ पे मेंशन है। और इसमें ये शेड्स हैं, कुछ ऊपर है और कुछ ये नीचे के शेड्स हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शेड का सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेकअप में कौन कौन सी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, या फर्स्ट टाइम आप मेकअप कर रहे हैं तो इस तरीके से। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ कलर्स जो हैं पिंकिश टोन में या पीचिश शेड में है, और कुछ जो हैं वो येलोई शेड में है। जैसे आप ये नीचे वाले देख रहे होंगे, जो नीचे के शेड्स हैं वो येलो टोन में है और ऊपर के ज़्यादातर पिंक में है। एक तो कलर करेक्टर होता है जो आपका 303 है, ये करेक्टर्स हैं ऑरेंज या येलोई टोन में होता है। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये आपके
फेयर टोन्स के लिए हैं, और जो डार्क टोन्स हैं, डार्क स्किन है उनके लिए ये होते हैं, और इन्हीं का ये जो होता है न्यूट्रल टोन स्किन टोन के लिए होता है। तो ये है इसका पैलेट। और आइए मैं आपको शेड्स के स्टडी करके बता देती हूँ कि कौन सा हमारे किस स्किन पे जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ऊपर के पैलेट्स के नेम बता दूँ, तो मेरे पास है 626A, ये फर्स्ट वाला नंबर आप देखेंगे। सेकेंड है 626B, ये है। अब ये ए और बी में देखिए डिफरेंस आप देखिए, 626A जो है वो फेयर स्किन के लिए है, देखिए आप इसमें पीची स्टोन है ये देखिए, और 626B में जो है वो येलो टोन है, थोड़ा सा येलोइश है, तो ये आपकी डार्क स्किन के लिए हुआ। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अंडर टोन और स्किन टोन को सिलेक्शन का भी इससे पहले वीडियो बनाया तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें ये पीचेस है और ये येलो स्टोन है। अब ये थर्ड जो है वो NB1 है, ये थोड़ा सा डार्क है, देखिए ये देखिए येलो और पीच दोनों का रिफ्लेक्शन है इसमें, तो ये न्यूट्रल जो स्किन टोन है उस पर जा सकता है। इस तरीके से आप जैसे 072 है तो ये पीच शेड में है, देखिए बिल्कुल फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो ही हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो यूज़ नहीं करेंगे। जब हम आई बेस करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है मेरा ये देखिए बिल्कुल ख़त्म भी हो गया है मेरे पास इसका, इनके सिंगल सिंगल पीसेस भी आते हैं तो मैं सिंगल मंगा लेती हूँ, वहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो ये 303 जो ये है ये ऑरेंज टोन में होगा, देखिए आप यहाँ पे देखिए 303 ऑरेंज या येलो टोन कहते हैं, ये कलर करेक्टर्स होते हैं जिनको हम आपके पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, इस तरह के करेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके ऊपर हमारे जो स्किन टोन है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है FS22, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये न्यूट्रल स्किन टोन वालों पे बहुत आराम से, जिसको मेकअप नहीं भी आता है तो भी वो FS22 से काम चला सकता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म भी हो गया है क्योंकि यूज़ होता रहता है सलोन में, तो जो हमारे स्टाफ है वो यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह से FS22 है तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट है इसका मैंने लूज ले लिया है तो FS26, जैसा आप ये देखिए ये डार्क शेड है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है कलर, इसको मैं कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जब मुझे कॉन्टूरिंग करनी होती है तो मैं इस बेस को यूज़ कर लेती हूँ। और FS27 ये मैं फेयर स्किन पे करूँगी कॉन्टूरिंग, और FS27 बहुत डार्क है देखिए, और बट ये येलो टोन में डार्क है, तो इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगी, जिनकी स्किन डार्क है उनकी कॉन्टूरिंग में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट है FS29, ये देखिए ये भी डार्क स्किन पे, डार्क स्किन है उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इसमें ऐसा भी होता है कि आपको कलर को मिक्स एंड मैच भी करना होता है, कई बार होता है कि डार्क स्किन में भी कोई एक शेड नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से आप मिक्सिंग कर सकते हैं अगर आप स्किन टोन और स्किन टाइप्स जानते हैं तो। तो इस तरह से FS42 है, ये देखिए FS42, ये भी डार्क टोन है, डार्क डस्की स्किन पे जाएगा। चिन, ये बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है उन पे जाएगा, चिन लिखा हुआ है इसमें, तो ये देखिए येलो टोन है, बिल्कुल येलो टोन आ रहा है इसमें, और आप कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क शेड है ये देखिए, अगर आप रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो। आइवरी है, फेयर स्किन पे जाएगा, किसी का भी फेयर स्किन है उसमें ये आराम से जाता है, या न्यूट्रल स्किन टोन है इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं आइवरी। तो इस तरीके से ये कुछ कितने शेड हुए, 3, 6, 12, ये 12 शेड्स हैं जो सुप्रा पैलेट में आते हैं। और गाइज ये मेरे पास जो था वो डेली टू है, इसमें FS के भी आते हैं, ब्राइडल्स के भी आते हैं, तो डिफरेंट शेड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, केवल आपको स्किन टोन पता होना चाहिए, स्किन टाइप्स पता होना चाहिए, और अंडर टोन क्या है स्किन का वो पता होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप इसका सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई बार आपके पैलेट में नहीं है तो आप दूसरे पैलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से वो शेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये है सुप्रा का पैलेट जो कि हमारा यूज़ होता है ड्राई स्किन के लिए। तो ये है पैलेट पूरा, इसकी हमने आज स्टडी की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो भी फाउंडेशन है या करेक्टर है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसको मैं आपको बताऊंगी। और गाइस आगे आप मेरे साथ ऐसे सब्सक्राइब और मेरे साथ कनेक्ट रहिए क्योंकि इसके बाद मैं डर्मा पैलेट भी लाने वाली हूँ, और धीरे धीरे मेकअप को स्टार्ट करूँगी क्योंकि एकदम से मैं पूरा मेकअप बता दूँगी तो आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं और आप
कंफ्यूज होंगे कि मैम किस तरह से मेकअप कर रही हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी मेकअप अगर सीखने भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाई जाती है, उसके बाद ही आप मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो उसी टोन में मैं आपको ले चल रही हूँ, मैं पहले आपको थ्योरी पार्ट ख़त्म करने के बाद ही मेकअप पे ले जाऊँगी और मेकअप ओवरऑल सारा के सारे हम लुक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्रायलोन का डर्मा पैलेट और उससे रिलेटेड अदर वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।